नमस्कार दर्शकों, कई बार लोग ये शिकायतें करते हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अगर आप भी अविवाहित हैं तो आप भी इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखेगा, क्योंकि ये चीजें अगर आप अपने कमरे में रखते हैं तो आपको विवाह से संबंधित समस्या होने लगती है। तो चलिए जानते हैं आज फैंगशुई में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको भूलकर भी अपने कमरे में नहीं रखनी। आजकल घरों में फैंगशुई का चलन काफी बढ़ा हुआ है। लव बर्ड, लाफिंग बुद्धा, क्रिस्टल, कछुआ, विंड चाइम सहित अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो फैंगशुई के नाम पर घरों में प्रयुक्त की जा रही हैं। ये सभी वस्तुएं चीनी वास्तु एवं फैंगशुई में शुभ और सकारात्मक ऊर्जा सज्जित करने वाली मानी गई हैं। फैंगशुई में आपसी संबंध और प्यार को बढ़ाने के लिए भी उपाय दिए जाते हैं। घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर प्यार को और गहरा किया जा सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो शयन कक्ष में टीवी, कंप्यूटर मत रखिए। ऐसा करने से संवाद प्रक्रिया में बाधा आती है। यदि बेडरूम में किसी भी तरह का विभाजन हो, छत को दो हिस्सों में बांटा गया हो, या फिर दो हिस्सों में बांटती हुई बीम हो, या फिर बिस्तर को दो हिस्सों में बांटते हुए गद्दे हो, ये सभी नेगेटिव ऊर्जा को बढ़ाते हैं। फैंगशुई के हिसाब से आपको बेड पर सिंगल गद्दा ही डालना चाहिए। इससे नकारात्मकता मिट जाएगी और प्रेम संबंधों में मिठास आती है। शयन कक्ष में नदी, तालाब, झरना और जल संग्रह वाली तस्वीरें भी नहीं लगानी चाहिए। बिस्तर के सामने टॉयलेट का दरवाजा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो इसे हमेशा बंद रखें। शयन कक्ष में अगर दर्पण लगा हो तो इसमें आपका बिस्तर नजर नहीं आना चाहिए, यानी कि आपकी परछाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब आप सोएं तो आपकी परछाई शीशे में दिखाई दे। ऐसा होने से संबंधों में टकराव की नौबत बनी रहती है। यदि दर्पण को हटाना मुश्किल है तो उसे पर्दा डालकर रखें। बेड का सिरा खिड़की या दीवार से सटा नहीं होना चाहिए, इससे भी नेगेटिव एनर्जी में बढ़ोतरी होती है। आप अपने रूम में लव बर्ड्स रख सकते हैं। घर के दक्षिण पश्चिमी हिस्से को फैंगशुई में प्यार के लिए अच्छा स्थान माना गया है। ऐसे में स्थान को यथासंभव सजा कर रखें। दीवारों पर गुलाबी या फिर हल्का नीले रंग का प्रयोग करके सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही वास्तु टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।